फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैप स्वैप क्वाइन माइनिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हो और आप जो भी टैप स्वैप क्वाइन माइनिंग करोगे उससे आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि टैप स्वैप क्वाइन रियल है या फिर फेक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको अर्निंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सभी आपको वहां पे मिलता रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टैप स्वैप क्वाइन का कोई ऐप नहीं है, इससे आप टेलीग्राम के जरिए माइनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस पे आपको अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है टैप स्वैप। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे ही टैप स्वैप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे अकाउंट चले आएंगे। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टैप स्वैप अकाउंट है जो यहाँ पे वेरीफाइड है, तो आपको इसे ही ओपन करना है। आपको दूसरे अकाउंट को यहाँ पे ओपन नहीं करना है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टार्ट का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक मैसेज जाएगा और साइड में एक प्ले का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पहले वेरीफाई करेगा कि आप एक ह्यूमन हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने वेरीफाई कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके सामने टैप स्वैप क्वाइन माइनिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 500 टैप स्वैप क्वाइन यहाँ पे शो हो रहा है जिसे हम यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप पहली बार माइनिंग करने के लिए आओगे और यहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे एक एक क्वाइन माइनिंग होगा। तो जितना बार आप टैप करोगे उतना यहाँ पे आपको क्वाइन माइनिंग होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो आपके वैलेट का जो कैपेसिटी है वे 500 टैप स्वैप क्वाइन का ही कैपेसिटी है। यानी यहाँ पे अगर आप 500 टैप स्वैप क्वाइन माइन कर लेते हो उसके बाद फिर से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ने लगेगा और 500 जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके वैलेट में ये एड नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे माइनिंग कर लोगे उसके बाद फिर से ये एड होगा। तो आप अपने वैलेट का कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। और यहाँ पे जब आप टैप करते हो तो एक क्वाइन ही यहाँ पे माइन होता है। अगर आप एक टैप में दो क्वाइन या फिर तीन क्वाइन यहाँ पे माइन करना चाहते हो तो वे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप मेरा अकाउंट देख रहे हो इसमें मैंने सभी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे वैलेट का यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया है, यहाँ पे मैंने 2000 कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर एक बार मैं टैप करूंगा तो यहाँ पे 5 टैप स्वैप क्वाइन माइन होगा। अब यहाँ पे आप जितना बार टैप करोगे उतना बार यहाँ पे क्वाइन माइनिंग होता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप टैप स्वैप क्वाइन को माइनिंग कर सकते हो। अब अगर आपको अपने वैलेट का यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करना है या फिर अगर आप एक बार में टैप करते हो तो यहाँ पे दो क्वाइन या फिर 5 क्वाइन यहाँ पे आपका माइनिंग हो वे अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट का। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मल्टी कैप। तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप टैप स्वैप क्वाइन कुछ पे करके यहाँ पे आप अपने टैपिंग का जो कैपेसिटी है वे बढ़ा सकते हो। यानी यहाँ पे अगर आप एक बार टैप करके माइनिंग करोगे तो वे दो बार यहाँ पे ऑटोमेटिक टैप हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे आप अपने वैलेट का भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एनर्जी लिमिट। अगर आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आप 2000 टैप स्वैप क्वाइन पे कर देते हो तो यहाँ पे आपके वैलेट का कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, शुरू में आपको इतना ज्यादा यहाँ पे क्वाइंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे आओगे तो आप 500 टैप स्वैप क्वाइन यहाँ पे करके आप अपना एनर्जी लिमिट या फिर आप अपना मल्टी टैप लिमिट भी बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिचार्जिंग स्पीड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिचार्जिंग स्पीड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड से जो ये टैप स्वैप क्वाइन है वे यहाँ पे खत्म होते जाता है। तो इससे अगर आपको फास्ट इंक्रीज करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिचार्जिंग स्पीड को बाय करना होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप पहली बार आओगे तो एक सेकंड में आपका यहाँ पे एक टैप स्वैप क्वाइन यहाँ पे बढ़ेगा। बट वहीं अगर आप यहाँ पे रिचार्जिंग स्पीड बाय कर लेते हो तो आपका यहाँ पे एक सेकंड में दो क्वाइंस बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप जितना बार बाय करोगे उतना बार यहाँ पे एक सेकंड में ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इसे 3 बार बाय किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेकंड में यहाँ पे 3 टैप स्वैप क्वाइन बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना रिचार्जिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है टैप बोर्ड का। तो अगर आप यहाँ पे 2,00,000 टैप स्वैप क्वाइन पे करके इसे बाय कर लेते हो तो यहाँ पे आपको खुद से माइनिंग नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनिंग होता रहेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेली बूस्टर भी देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टैपिंग गुरु लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको डेली ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसे यूज करते हो तो आप एक बार में 10 टैप स्वैप क्वाइन माइनिंग कर सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा गेट इट का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात
ध्यान में रखना है कि ये 20 सेकंड तक ही रहेगा। 20 सेकंड के अंदर में आप जितना भी यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो उतना आपको यहाँ पे माइनिंग कर लेना है। सिंपली आपको गेट इट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे हमारे सामने माइनिंग करने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे मेरा कैपेसिटी बढ़ गया है, तो आप देख सकते हो एक बार में 25-25 कॉइंस यहाँ पे माइनिंग हो रहा है। बट वही अगर आप यहाँ पे पहली बार आओगे तो यहाँ पे अगर आप माइनिंग करोगे तो एक बार में यहाँ पे सिर्फ 10 कॉइंस ही यहाँ पे माइनिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 सेकंड में यहाँ पे आप जितना माइनिंग कर लो। तो मैंने यहाँ पे 20 सेकंड में काफी टैप स्वैप कॉइन यहाँ पे माइनिंग कर लिया है, आपने यहाँ पे लाइव देखा। अब फ्रेंड चलिए मैं अपने यहाँ पे पहले वैलेट को यहाँ पे खाली कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप एक बार में ही कैसे फिलअप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने वैलेट को यहाँ पे खाली कर दिया है और फिर से अब यहाँ पे ये पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे माइनिंग कर सकता हूँ। बट अभी इसे फुल होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, बट एक तरीका है जिसे आप यूज करके डेली 3 बार यहाँ पे 1 सेकंड में ही आप इसे फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिर से बूस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फुल टैंक का, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3x3 लिखा हुआ है, यानी हर दिन आप अपने वैलेट को एक बार इस पे टैप करके एक बार में ही पूरा फिलअप कर सकते हो। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गेट इट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे जो वैलेट है वो फुल फिलअप हो जाएगा और फिर से आप इसे यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी डेली 3 बार फुल टैंक का यूज करके आप अपने वैलेट को यहाँ पे फुल फिलअप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको टैप स्वैप कॉइन माइनिंग करने का सभी तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे माइनिंग करके पैसे कमा सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे टैप स्वैप कॉइन माइनिंग करोगे उससे आप कैसे यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टास्क का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बाइनांस रजिस्ट्रेशन का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बाइनांस पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखते हो योर टास्क लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑन बाइनेंस पे क्लिक करके बाइनेंस ऐप पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और बाइनेंस ऐप पे आपको अपना फुल KYC कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बाइनेंस ऐप का जो ID है वे यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है और इससे आपको यहाँ पे लिंक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिंक कर दोगे तो यहाँ पे आपको 30 लाख टैप स्वैप क्वाइन यहाँ पे रिवार्ड मिल जाएगा और उस बाइनेंस ऐप पे आपको $600 का यहाँ पे वाउचर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स आप ये मत सोच लेना कि आप बाइनेंस ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो बाइनेंस ऐप पे आपको $600 मिल जाएगा तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वे वाउचर के रूप में मिलेगा तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग करके इसे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बाइनेंस ऐप पे यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ पे आप रिवार्ड विन कर सकते हो और आप बाइनेंस ऐप पे $600 का वेलकम वाउचर बोनस भी ले सकते हो। अब फ्रेंड्स अभी तो आप अपने टैप स्वैप अकाउंट को बाइनेंस ऐप से लिंक कर लोगे, बट अभी आप अपने टैप स्वैप कॉइन को विड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी जो टैप स्वैप कॉइन है वे अभी बाइनेंस ऐप पे लिस्ट नहीं हुआ है, और जब तक ये लिस्ट नहीं हो जाता है बाइनेंस ऐप पे तब तक आप यहाँ से अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो अभी आपको यहाँ पे टैप स्वैप कॉइन को माइनिंग करके रखना है, जैसे ही ये बाइनेंस ऐप पे लिस्ट हो जाता है उसके बाद आप अपने टैप स्वैप कॉइन को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइन आवर सोशल्स का, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इनके सोशल मीडिया का लिंक आ जाएगा जिससे आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इनके सोशल मीडिया को ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे 2 लाख का रिवार्ड मिल जाएगा टैप स्वैप कॉइन का। बट फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया बट मुझे यहाँ पे कोई भी रिवार्ड नहीं मिला, मैं ये आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स चलिए हम जानते हैं कि टैप स्वैप कॉइन रियल है या फिर फेक है। सच में हम यहाँ पे जो भी टैप स्वैप कॉइन माइनिंग करेंगे उसे हम विड्रॉ कर पाएंगे भी या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे टैप स्वैप कॉइन रियल नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कई कॉइन्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं जिसे हमने यहाँ पे माइनिंग किया बट बाद में हमें उनका विड्रॉल नहीं मिला। तो जब तक ये बाइनेंस ऐप पे लिस्ट नहीं हो जाता है और यहाँ से हमें विड्रॉल्स नहीं मिलने लगते हैं तब तक मैं टैप स्वैप कॉइन को रियल नहीं मानूंगा, मैं इसे फेक ही मानूंगा। तो अगर आपको रियल लगता है तो आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप टैप स्वैप कॉइन को यहाँ पे माइनिंग करके पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।